Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. तो खुश हो ना तुम? हम पापा के पास रहने जा रहे हैं. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ. एक बार फिर सोचो शेयर, मुझे लगता है तुम्हारा घर वापस लौटना सही नहीं है. मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो प्रशांत, लेकिन रोनी के लिए मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ. इस बढ़ती उम्र में उसे अपने पापा का प्यार और दादी का दुलार दोनों की बहुत जरूरत है. सूरज, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो. और आप खड़े रहके सिर्फ तमाशा देखिए, कुछ बोलिए मत. कौन पापा? सूरज. यहाँ कोई सूरज विरज नहीं रहता, जाओ यहाँ से. तो कौन रहता है यहाँ पर? हाँ, हम रहते हैं अड्डे. और माँ और सूरज कहाँ? पिछले 6 महीने से गायब है वो. क्या तुम जानते हैं लोगों को? हाँ, सूरज के कजिन से. राजस्थान से. और अब बैठे रहते हैं पिछले 6 महीने से, जब से सूरज और ताईसा गायब हुए. निकलो यहाँ से, चलो. क्या मतलब? मैं सूरज की बीवी हूँ, इस घर की बहू, मेरा भी हक बनता है यहाँ पर. सब बेरा है मैंने. सूरज तलाक दे रहा था ना थारे को, 3 साल तू अपना घर छोड़ के मायके में रह रही है, फिर काहे की बहू और काहे का घर. निकलो यहाँ से वरना धक्के मार के निकालूंगा. ए मिस्टर, तभी से बात करो. तुम ऐसे बात नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं हम, बताए तन्ने क्या कर सकते हैं. निकल निकल बाहर निकल बाहर निकल छोड़ बाहर निकल छोड़. क्या कर रहे हो? सूरज कहाँ है? क्या क्या उसके साथ? हमें ना पता साहब. अगर हमें उन्हें मारना ही होता तो इतने साल इंतजार ना करते साहब. धमकी दिया करते थे ना उसे फोन पर. सोचा होगा कि डर जाएगा वो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा. और जब उसने ऐसा नहीं किया तो ये रास्ता चुना. ये बात सच है सर, मैंने 2-4 बार उसे धमकियां दी, लेकिन उसे जान से मारने के बाद हमने सपने भी नहीं सोचे साहब. जब तक कुछ बोलते नहीं, दोनों का अंतर रखो, बात करो. मानी नहीं दे. सूरज की एक्स बिजनेस पार्टनर, बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ. कुछ आइडिया है आपको क्या हुआ सूरज के साथ, या फिर कहाँ है वो? एक्चुअली जब से हम दोनों बिजनेस से अलग हुए हैं तो एक दूसरे के साथ कभी कांटेक्ट हुआ नहीं हमारा. आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? आखिरी बार आई थिंक जनवरी. मतलब 6 महीने पहले. या
और उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नो। मान लीजिए सूरज ने आपके साथ एक साल पहले पार्टनरशिप की थी और छह महीने पहले उसे तोड़ दिया, कोई वजह? आई डोंट नो व्हाई बट बिजनेस से इंटरेस्ट लूज हो चुका था उसका। सूरज और उसकी वाइफ का एलिमनी को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने बुटीक मेरे नाम कर दिया। आप शायद जानती होंगी कि उसकी माँ का मर्डर हुआ और उनकी लाश उसी के गार्डन में दफन पाई गई। ओह, माय कंडोलेंसेस ऑफिसर, आई एम सो सॉरी अबाउट हिज लॉस। नाउ मे आई लीव? बिल्कुल, थैंक यू, बट प्लीज बी श्योर कि आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है और जो कुछ भी बताया है एकदम सच सच बताया, वरना हमें आपको फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी। प्लीज। पानी पानी पानी, पानी। आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? कुछ सवाल पूछने थे आपसे। मेरे ख्याल से मैं उस दिन आपको मिल चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में और सब कुछ बता भी चुकी हूँ, अब क्या बाकी रह गया पूछना? जी नहीं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं आपके और सूरज के बारे में, वही पूछने आए हैं आपसे। बातें तो होती रहेंगी, ड्रिंक लीजिए। नहीं, हम आपसे सिर्फ सवालों के जवाब लेने आए, अगर वो देंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा और अगर सच सच बताएंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, यस। जनवरी में हमारी पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी सूरज के फोन से मुझे कॉल जाते थे, लेकिन वो कॉल सूरज नहीं करता। तो फिर कौन करता था? आई थिंक सूरज का मोबाइल किन्हीं गलत हाथों में आ गया, और जिस किसी के पास भी उसका मोबाइल था उसे उसमें से मेरा नंबर मिल गया था और फिर कॉल कर करके मुझे परेशान करने लगा। फिर क्या, यूजुअली इस सिचुएशन में जो हम लोग करते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया। आप सूरज की बिजनेस पार्टनर थे, एनी आइडिया क्या हुआ उसके साथ, कहाँ गया होगा, एनी गेसेस? बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। और उसके इस फ्रस्ट्रेशन की वजह? पर्सनल लाइफ। पहले उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई और फिर गर्लफ्रेंड। कौन गर्लफ्रेंड? वेल, इस बारे में उसने ज़्यादा मुझे कभी कुछ बताया नहीं, बट हाँ एक बार नशे की हालत में बोल रहा था कि उसकी वाइफ की तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यू नो व्हाट, उस सिचुएशन में जब मैंने उसे रोने के लिए अपना कंधा दिया, मुझ पर लाइन मारने लगा। क्या हुआ? I'm so alone, Malini. बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। Come on, why are you crying like a kid? मैं हूँ ना यार, I'm always there with you. Hey, क्या कर रहे थे तुम? Love you, Malini. एक मिनट. I think कुछ गलत फहमी हो गई है तुम्हें, we are just good friends. That's all. अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं अपना ड्रिंक एंजॉय करना चाहूंगा। बिल्कुल, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सूरज के गायब होने से आपका कुछ भी लेना देना है तो दो चार ड्रिंक्स एक्स्ट्रा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जेल में हम ये सब सर्व नहीं करते। प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो, प्लीज। मैं साइन नहीं करूंगा, बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। पापा को क्या हो गया? देखो मम्मा, जल्दी क्या हो गया पापा को, जल्दी आप पर आ, देखो ना। रानी, 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 पापा, 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 रानी कहीं नहीं मिल रहा। रानी, सर, 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 तुमने बाहर
देखा क्या रोनी को? नहीं दीदी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने भी काफी देर से नहीं देखा उसे। पापा, वो मेरे साथ इधर ही सो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया पापा। वो दिखाई नहीं रहा मेरे साथ में पूरा पापा। ठीक है, पर अगर चाहते हो कि रोनी सही सलामत रहे और वापस लौट कर आ जाए तो अजय और विजय के खिलाफ दर्ज कराए सारे केस वापस ले लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोनी को। तू बैठ, तू बैठ, मैं हूं ना बेटा। रोनी, रोनी, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को मत मार। निर्मला और मेरे बीच में कभी कोई अफेयर नहीं था। उसके पति के मौत के बाद में मैंने उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश की शादी के लिए, लेकिन वो हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। मैं उसे शादी प्यार के लिए नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसके पैसों के लिए करना चाहता था। शिया के घर छोड़ के चले जाने के बाद में सूरज डिप्रेशन में आ गया था और उसी की वजह से निर्मला भी टूटती चली गई। फिर उसे मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने भी उसका साथ दिया और फिर उसके बाद उसके घर पे आना जाना मेरा बहुत बढ़ गया था। उसी बीच में वर्षा नाम की एक मेड वहाँ पे काम के लिए आई और वो मुझे काफ़ी अटेंशन दिया करती थी। जब एक दिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो निर्मला घर पे नहीं थी, वर्षा अकेली थी। विकास, मत कैसे हो ये सब करने की। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने रोना मुझे बोल। निर्मला, 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 निर्मला। आंटी जी। कहाँ भाग के जाएगी? किराए के कुछ गुंडों को मैं जानता था। उनमें से दो आदमियों को कहा कि निर्मला की लाश को ठिकाने लगाए, लेकिन हम वहां से निर्मला की लाश को ठिकाने लगा के निकलने लगे तो सूरज ने हमें देख लिया और वो वहां पर आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर टूट पड़ा। मेरा आदमी सूरज को मारने वाला था, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम उसे मारेंगे नहीं, उसे साथ ले गया वहाँ जहाँ आपने मुझे पकड़ा था। फिर उसकी माँ को मैंने 25 साल दिए थे, उसकी कीमत मैं चाहता था, लेकिन सूरज नहीं माना। वो कहता था कि मेरा जो पैसा है वो रोनी का है और वो यह हक मुझे नहीं लेने देगा, इसीलिए मैंने उसके बेटे को उठवा लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर धोखा वही खाते हैं जो आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अगर निर्मला देवी ने अपनी आंखें मूंद कर विकास कपूर पर भरोसा ना किया होता तो उन्हें उसके हाथों अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और ना ही सूरज को इतने जुल्म सहने पड़ते। ना विकास कपूर उस गरीब मासूम बच्ची वर्षा को अपनी हवस का शिकार बना पाता जो असल में उसके चेहरे में अपने गुजरे हुए पिता का चेहरा देखा करती थी। लेकिन मलाड पुलिस ने हार नहीं मानी और आम जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए वर्षा को आखिरकार खोज निकाला। वर्षा इस वक्त न्यायिक हिरासत में अपना इलाज करवा रही है। लेकिन यहां यह बात भी सच है कि जब बुराई भलाई का मुखौटा पहनकर आती है तो वो भलाई से भी ज्यादा भरी नजर आती है। ऐसी सूरत में अगर उससे कोई धोखा खा जाए तो उसे पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर यही होगा कि अगर समय समय पर इस यकीन को समझ की कसौटी पर परखा जाए तो बुराई को पहचान कर उससे बचा जा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।